यस हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स इसके अंदर पहले अपन प्रीवियस क्लास के अंदर फार्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके पढ़ रहे थे। फार्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है कि एक रेडियोएक्टिव प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस अपनी नेचुरली या इंटरनली या इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर उस सम फंडामेंटल पार्टिकल्स का इमिशन करती है। उसमें से एक टाइप का है बीटा पार्टिकल। कि दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप के होते हैं। तो इसमें तीन टाइप की प्रोसेस होती है, ये भी अपने पढ़ा कि बीटा डीके प्रोसेस तीन टाइप की होती है। और इस टाइप की बीटा डीके प्रोसेस होने का जो रीजन है वो क्या माना गया है, कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मींस न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन कन्वर्जन इन द न्यूक्लियस फॉर द स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर अपन ने इस फर्मी थ्योरी के अंदर कुछ एज्यूप्शंस माने गए हैं। मतलब पहले अपने न्यूट्रिनो हाइपोथिस आई, वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पर यह माना गया कि बीटा इमिशन के साथ एक अदर फंडामेंटल पार्टिकल का इमिशन और होता है, इसको न्यूट्रिनो कहते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, एक फर्मियोन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो अपन बीटा पार्टिकल्स ही है। तो अपन ये जो फर्मियोन्स हैं वो फर्मियो फर्मी डायर स्टेटिस का फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज होते हैं न्यूट्रिनो, और रेस्ट मास भी उसका नेगलिजिबल या जीरो होता है। तो अपन उन बीटा पार्टिकल के साथ में, मतलब बीटा डीके के अंदर बीटा पार्टिकल और न्यूट्रोनो का एक फील्ड, एक वीक इंट्रैक्शन फील्ड होता है जिसका एनालॉग अपन एक ईएम इंट्रैक्शन फील्ड इमिशन बाय द एटम से कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस से बीटा और न्यूट्रिनो जो पार्टिकल का इमिशन होता है वो ये वीक इंट्रैक्शन फील्ड होता है, और वो इसी के सिमिलर है जैसे एक एटम है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। तो अपने यहां से एक गामा फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिशन होता है, ईएम वेव का इमिशन होता है जब ट्रांजिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी के सिमिलर है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंट कौन है, बीटा न्यूट्रिनो पार्टिकल का फील्ड, लेकिन वीक इंट्रैक्शन फील्ड है। तो सबसे पहले तो यह माना गया कि न्यूक्लियॉन्स के कन्वर्जन के कारण दो फंडामेंटल पार्टिकल्स इमिट होते हैं, बाय न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, बीटा प्लस या बीटा माइनस, या न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो का कॉम्बिनेशन बनता है। बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो आता है, बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल आता है, उनका इमिशन होता है और वो दोनों वीकली इंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा कि अपने पास जो न्यूक्लियर इमिशन के अंदर न्यूट्रिनो पार्टिकल के साथ इमिशन होता है, तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस बीटा डीके प्रोसेस, बीटा डीके की जो न्यूक्लियस है एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या अपनी स्टेट चेंज करता है तो एनर्जी चेंज होती है, और वो कंप्लीट एनर्जी शेयर्ड बिटवीन बीटा एंड न्यूट्रिनो पार्टिकल्स कंप्लीटली, इसीलिए कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है। तो मतलब दोनों पार्टिकल्स के बीच में शेयर्ड होती है, ठीक है, अदर वहां कहीं पर नहीं जाते। तो अपने पास इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर एक अपन एक क्वांटम मैकेनिकली टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द बीटा डीके, बीटा डीके के लिए गुड अप्रोक्सीमेशन माना गया कि इसका जो रिजल्ट है वो इसकी कई एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज है उनसे क्या करता है, मैच होता है। तो अपन इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फर्मी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन बीटा डीके के अंदर इमिट इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन मोमेंटम रेंज पीई एंड पीई प्लस डीपी, और वो क्वांटम पर्टर्बेशन थ्योरी से ये फॉर्मूला यूज किया था, कैपिटल पीई dp is equal to क्या होगा 2 pi h cross
एच आई एफ का स्क्वायर और एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स डी एन अपॉन डी ई इन दिस मोमेंटम रेंज. कैपिटल पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बीटा पार्टिकल इन दिस मोमेंटम रेंज. तो अपन एच आई एफ क्या था, एक मैट्रिक्स एलिमेंट थे फॉर ट्रांसफर फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट, इनिशियल टू फाइनल स्टेट, और जिसको अपन ने एक क्वांटम मैकेनिकली एक अदर टाइप का मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट एम आई एफ फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियाई टू डॉटर न्यूक्लियाई मैट्रिक्स एलिमेंट के फॉर्म में अपने चेंज कर लिया था, जो उसकी वैल्यू थी एच आई एफ इजिकल टू जी अपॉन वॉल्यूम वी और यहां था एम आई एफ. क्वांटम मैकेनिकली जब अपन ने इसका फॉर्मूले का एनालिसिस किया था तो वन अपॉन जी एम आई एफ, पीछे बैक देख लो कल अपने सोल्व किया था, या दोबारा इसको अपने क्वांटम मैकेनिकली जो फॉर्मूला न्यूट्रिनो का जो वेव फंक्शन है वो अपन डिफाइंड कर दें, वन अपॉन अंडरूट वी ई की पावर आईटा एच क्रॉस पी ई डॉट आर, तो वन अपॉन ई एम आई एफ आता है. जहां एम आई एफ क्या माना गया है, इंटीग्रेशन डॉटर न्यूक्लियाई, और यहां जी फैक्टर था अपने पास जो एच आई एफ ऑपरेटर को एक दूसरे ऑपरेटर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का कोफिशिएंट, और इनिशियल स्टेट फंक्शन डी टू, जहां ये क्या है डॉटर न्यूक्लियाई का स्टेट फंक्शन है और साई आई पेरेंट न्यूक्लियाई का स्टेट फंक्शन है, जबकि अपने पास कंप्लीट बीटा डीके की एक प्रोसेस ली थी अपने एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन एक प्रोटॉन में, और प्रोटॉन के साथ में एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉनों के साथ जब डीके होगा तो कौन सा पार्टिकल होगा, बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो. तो कंप्लीट फाइनल स्टेट फंक्शन तीनों का कंबाइंड होगा, लेकिन ये जो साई कैपिटल एफ है वो केवल अपने पास प्रोटॉन का स्टेट फंक्शन है और साई आई न्यूट्रॉन का स्टेट फंक्शन है. ठीक है, ये बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉनो को वेव स्टेट फंक्शन एज्यूम करके दोनों का जो स्टेट फंक्शन है इज टू वन एफ वन अपॉन वी एग्जिट कर लिया था, क्योंकि इनका वेव नेचर फ्री स्पेस में माना गया था, और जिसमें नॉन रिलेटिविटीज केस को यूज करते हैं कि बीटा पार्टिकल का मास न्यूट्रिनो के कंपैरिजन में हायर होता है और उनको उसकी वेलोसिटी को न्यूट्रॉन की वेलोसिटी से नेगलिजिबल मान लिया था कि उसकी सी स्पीड की बेसिस होती है, और अपने पास वो जो एक डेरिवेशन आया था उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ई की पावर की वैल्यू को अपन ने नेगेटिव में हाइएस्ट जीरो नेगेटिव टेंस टू वन मान लिया था. ठीक है, अब देखिए अपने पास दूसरा डेंसिटी स्टेट्स कैसे निकाली थी अपने, कि डी एन अपॉन डी भी निकाल लेती, ये कैसे निकाली कि अपन ने पहले कंप्लीटली एक क्वांटम मैकेनिकली किसी भी क्वांटम स्टेट का जो ऑक्यूपेंस वॉल्यूम होता है वो एच क्यूब होता है, मतलब एक क्वांटम स्टेट में एक न्यूक्लियॉन एक फर्मियॉन एक लेप्टॉन के लिए मिनिमम स्पेसाइज एस क्यूब डायमेंशन का माना गया. तो फेज स्पेस जिसका मोमेंटम इज लाइज बिटवीन दिस रेंज, जैसे बीटा पार्टिकल के लिए, तो इस मोमेंटम रेंज का फेज स्पेस वॉल्यूम अपन निकाल के उसमें एस क्यूब का डिवाइड कर दे, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम मैकेनिकली स्टेट्स फाइंड हो जाएगी जो डी एन ई से नोट करते हैं. कैसे कि वॉल्यूम वी निकाली थी 4 पाई पी स्क्वायर डी पी ई और अपॉन एस क्यूब, ऊपर फेज स्पेस वॉल्यूम है और वहां एस क्यूब का डिवाइड है स्मॉल रीजन के अंदर, जो अपन फेज से
फेज एलिमेंट, अपन पास एक फेज स्पेस का एलिमेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम एलिमेंट। दूसरा फॉर द न्यूट्रिनो, उसका मोमेंटम अपन सिंबल में पी म्यू प्लस डी पी म्यू दे दें, और वो इसके लिए स्पेस और कोएफिशिएंट एस क्यूब मान लें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रिनो डी एन वी इज इक्वल टू कैपिटल वी 4 पाई पी म्यू स्क्वायर डी पी म्यू अपॉन एच क्यूब। मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट या नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इन दिस मोमेंटम रेंज इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, कि इस रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उनकी संख्या ये है, फेज स्पेस का वॉल्यूम एस क्यूब पर डिवाइड कर दिया। न्यूट्रिनो इस मोमेंटम पी म्यू प्लस डी पी म्यू रेंज में कितने न्यूट्रिनो एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो उसका भी फेज स्पेस एनालिसिस के बेसिस पर अपने एस क्यूब का टोटल वॉल्यूम में एस क्यूब का डिवाइड कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, अपने दोनों पार्टिकल है इस बीटा डीके में, तो डी एन ई डी एन म्यू न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल दोनों का क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें। तो मैं यहां पर डी एन ई दोनों का प्रोडक्ट आ गया 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर पी ई स्क्वायर पी म्यू स्क्वायर डी पी ई डी पी म्यू अपॉन नीचे दोनों का स्क्वायर में एस की पावर 6। अपनों डी एन ई डी एन अपॉन डी ई निकालना है, डी एन अपॉन डी ई डी का डिवाइड दे दे, और किसके लिए अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, फॉर द बीटा पार्टिकल, तो न्यूट्रिनो वाले फंक्शंस को अपन एलिमिनेशन करेंगे या विलोपन करेंगे इसका, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक फिक्स मानते हुए उस पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, न्यूट्रिनो को एनर्जी को वेरियल मानना है, तो उसको अपन इलेक्ट्रॉन या टोटल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के रूप में या बीटा पार्टिकल की एनर्जी के रूप में इस एक्सपेंशन को ड्राइव करना है, पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, ये वी वॉल्यूम का है यहां पर, पी ई स्क्वायर पी म्यू स्क्वायर डी पी म्यू की 6, यहां एक पार्ट रख लिया डी पी म्यू डी ई, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन है, हो सकता है कि डी ई का डिवाइड इसी में क्यों दिया पी म्यू में, ठीक है, अपन इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन अपन को डेरिवेशन पी ई के टर्म में निकालना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी म्यू को अपन को एलिमिनेशन करना है। तो देखिए अपन एनर्जी में जाएं, मोमेंटम से एनर्जी कैसे निकालते हैं, अपने टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या मान रखा है, ई ई प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यूट्रॉन की एनर्जी टोटल टोटल एनर्जी की इक्वल होगी सम, या ई म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई माइनस ई ई, तो ई ई की कॉन्स्टेंट के लिए कि अपन इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल की फाइनाइट एनर्जी के ऊपर अपने प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो डी ई की रेंज के कॉन्स्टेंट के लिए डी ई म्यू इज इक्वल टू डी ई, हो जाएगा ठीक है। पहला तो कन्वर्जन ये कर लिया,
तो आगे अपन बोले DE की जगह अपन DE म्यू ले सकते हैं, लेकिन मोमेंटम रेट ऑफ चेंज निकालना है तो अपन एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से एमे स्क्वायर इजकल टू पी म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, न्यूट्रिनो का रेस्ट मास टैक टू जीरो, तो मतलब आ गया ई म्यू इजकल टू पी म्यू इंटू सी। तो बाय दिस डीई डी पी म्यू इजकल टू सी, तो बाय दिस इज वन अपॉन सी। यहां इसकी वैल्यू क्या जाएगी वन अपॉन सी, ठीक है। तो अपने पास और यहां पर पी म्यू को अपन को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के टर्म में लिखना है, तो पी म्यू स्क्वायर इजकल टू जिसे एनर्जी के टर्म में लिख दे अपन मोमेंटम का स्क्वायर पी म्यू स्क्वायर इजकल टू अपन लिख सकते हैं सी स्क्वायर ई म्यू स्क्वायर, मतलब इस रिलेशन से अपन ये लिख सकते हैं पी म्यू बराबर म्यू अपॉन सी। तो मतलब पी म्यू स्क्वायर इजकल टू ई म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी में टोटल एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एनर्जी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और पी म्यू की स्क्वायर की जगह डी पी म्यू डी की जगह वन अपॉन सी लिख लेते हैं। तो अपने पास डेंसिटी एनर्जी स्टेट्स यहां इसकी वैल्यू रख रहा हूं वन अपॉन सी, और पी म्यू स्क्वायर इजकल टू लिख रहा हूं ई माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 16 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर पी म्यू स्क्वायर, तो पी म्यू स्क्वायर की जगह तो लिख दें अपन ई माइनस ई का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच गया, बात में बच गया डी पी ई, ठीक है, अपॉन सी क्यूब एच सिक्स, सी क्यूब वन अपॉन सी तो वो था और सी स्क्वायर अपने पास पी स्क्वायर से आ गया। डायनेसिस स्टेट का एक्सपेंशन याद, ठीक है। तो अपन इसमें टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्मूले वाले में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन मोमेंटम स्पेस में जो अपन ने निकाल रखी है वहां पर वैल्यू रख दें एच आई एफ की डी एन अपॉन डी ई की। तो देखिए अपने पास एक फॉर्मूला आ जाता है एच आई पी जी एम आई एफ अपॉन वी, यहाँ फॉर्मूला रख रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी इन मोमेंटम स्पेस पी ई एंड डी पी ई टू पाई एच क्रॉस, यहाँ पर जी एम एफ अपॉन वी का होल स्क्वायर, और डी एन उन्नीस 16 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर ई माइनस ई का होल स्क्वायर डी पी ई अपॉन सी क्यूब एच सिक्स, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं 2 16 32, कॉन्स्टेंट में अपन लिख सकते हैं जी स्क्वायर
ठीक है, एम आई एफ मोड का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, और अपने पास यहाँ सी क्यूब एच सिक्स, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। अब अपने पास वेरिएबल जो ग्राफ प्लॉट करना है पी स्क्वायर ई माइनस डी ई का होल स्क्वायर डी पी ई, यहाँ गया कैपिटल पी स्मॉल पी ई डी पी ई। फार्मी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फॉर द बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल इन मोमेंटम रेंज पीई एंड पीई प्लस डीपी इज गिवन बाय दिस एक्सपेंशन, जिसमें फर्मी थ्योरी के एजुप्शन कंसिस्टेंस इंक्लूड किए गए हैं। तो इसका अपन एक नेचर किस किस पर डिपेंड कर रहे हैं, यदि एम आई एफ जो एक मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं ये किस पर डिपेंड करता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पर, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो स्टेट फंक्शन पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई की इंटर स्टेट का जो अपने पास एक वेव फंक्शन एलिमेंट्स एलिमेंट निकालते हैं इनर फाइनल स्टेट वेव फंक्शन से, इनर स्टेट वेव फंक्शन से, और पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, तो वो तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन अपन यदि किसी न्यूक्लियस के द्वारा इमिट फोटोन्स के लिए बात करें, किसी एक न्यूक्लियस के लिए बात करें, एक ही टाइप की न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की नेचर अपन चेंज न करें, तो जो अपने पास ये डेरिवेशन है कि एम आई एफ कॉन्स्टेंट है मान ले, और अदर तो कॉन्स्टेंट है ही, तो मतलब अपने पास ही आ जाएगा कैपिटल पी स्मॉल पीई, दोनों तरफ डीपीई है, इधर डीपी है, इज इक्वल टू, मैं कोई कॉन्स्टेंट सी दे दूं इन सबको, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू क्या जाएगा पीई स्क्वायर ई माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है, मतलब E माइनस ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल एनर्जी और मोमेंटम है, तो अपन मोमेंटम स्पेस से फर्मी प्लॉट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी अपॉन पीई स्क्वायर का डिवाइड दे दें, तो इज द प्रोपोर्शनल E माइनस ई, और यहां अंडर रूट लगा दें तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा E माइनस ई। तो देखिए इसका ग्राफ अपन प्लॉट करें, किस इसमें कैपिटल पी और स्मॉल पी स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है बीटा पार्टिकल का मोमेंटम स्पेस प्रोबेबिलिटी, और ये एनर्जी के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आएगा, इज ए स्ट्रेट लाइन जो ई बराबर जीरो पर, यदि अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जो अपने पास बीटा पार्टिकल की एनर्जी को, या एनर्जी में बीटा पार्टिकल की एनर्जी टोटल एनर्जी ने बीटा पार्टिकल की एनर्जी के साथ, तो जीरो पर मैक्सिमम ई, और ई की वैल्यू जब ई हो जाएगी तो जीरो, तो मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसी जो ई बराबर टोटल ई एनर्जी के ऊपर क्या हो जाएगा, ये जीरो, ठीक। और जब अपन एनर्जी वेरिएशन बीटा पार्टिकल का एनर्जी वेरिएशन अपने इस टाइप से प्लॉट करते हैं, कभी क्वेश्चन में आपको कि ई के साथ ग्राफ करो तो भी इसका स्ट्रेट लाइन फंक्शन ऐसा ही आएगा। अब वो कैसे, तो अपने पास ई माइनस ई का होल स्क्वायर था, ई माइनस ई का होल स्क्वायर कर दो सेम वैल्यू आएगी,
ठीक है, और बाद में अपन अनरूट ले लें तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ई एनर्जी के साथ बीटा ई एनर्जी के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो होगी प्रोबेबिलिटी। तो ये इस ग्राफ को फर्मी प्लॉट कहा जाता है, फर्मी प्लॉट कर्व। कभी पूछे ड्रॉ द फर्मी प्लॉट, फर्मी प्लॉट कर्व है, तो अपने पास फर्मी प्लॉट कर्व है, ये होता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ बीटा पार्टिकल इन मोमेंटम स्पेस अपॉन मोमेंटम स्क्वायर के अनरूट का टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ जो वेरिएशन आता है इसको अपन कहते हैं फर्मी प्लॉट कर्व। इसे कई इंपोर्टेंस है, इसके द्वारा अपन फर्मी डीके या फर्मी ट्रांजिशन से रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं, इसके इंपोर्टेंस पढ़ेंगे आगे तो फर्मी प्लॉट पर क्या एप्लीकेशन है अपने पास। ठीक है, तो ये थी अपने पास फर्मी थ्योरी, इसका रिजल्ट आउटपुट लास्ट अपने फर्मी प्लॉट ले लिया। ठीक है, लेकिन जब इसका अपन एनर्जी स्पेक्ट्रम, ये तो पीई अपॉन पी स्क्वायर बाई फाइनाइट क्वांटिटी में फर्मी प्लॉट का है, इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम है एनर्जी बीटा ई का, जो अपनी एनर्जी है बीटा पार्टिकल की, और उसका प्रोबेबिलिटी के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो किस टाइप का ग्राफ आएगा, मोमेंटम नहीं अपन टोटल एनर्जी फंक्शन इसका ड्राइव करें। लेकिन इसमें कूलॉम करेक्शन किया गया, अब वो क्यों किया गया कि बीटा पार्टिकल न्यूट्रली चार्ज होते हैं, जबकि फर्मी ने इस स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया, और ये कब जरूरत पड़ी, कब मॉडिफाइड करना पड़ा, जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया। तो जैसे अपन यहां में इस एक ग्राफ पर हूं, डेल्टा ई की वैल्यू यदि जीरो कर दूं तो प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू कोई फाइनाइट आएगी, जबकि बीटा प्लस पार्टिकल के लिए वैल्यू नेगेटिव जीरो से स्टार्ट हुई थी। तो वो जीरो से स्टार्ट होने का कांसेप्ट कहां से लें, मतलब इसका ग्राफ यदि अपन प्लॉट करें तो अपने पास जो एक एक्सपेरिमेंटली ग्राफ आता है उसके अकॉर्डिंग आता है, जो बीटा माइनस पार्टिकल के लिए मैच होता है। तो इसका ग्राफ में यहां से अपने पास वो है पीई वाला, कॉन्स्टेंट को छोड़ें अपन, पीई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, बाय एनर्जी रिलेशन पीई स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर। एम नोट में इलेक्ट्रॉन, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल का रेस्ट मास है, इज नॉट जीरो। ठीक है, तो यदि अपन इन बीटा पार्टिकल का मास को इस फॉर्म में यहां पर पी स्क्वायर की वैल्यू रख दूं मैं, तो कैपिटल पी ई प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग क्या जाएगा, सी स्क्वायर, मतलब यहां लिख दूं मैं ये कॉन्स्टेंट है ये सी, ये तो, और ये सी यहां लाइट स्पीड है, तो मैं यहां कोई एक्स कॉन्स्टेंट ले लेता हूं, तो ई ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर और ई माइनस ई ई का स्क्वायर। तो जो e की वैल्यू यदि अपन जीरो कर दें तो भी अपने पास इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, तो मतलब ग्राफ एक फाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट होगा, फिर जब जीरो से अबव e बीटा पार्टिकल एनर्जी को जब इंक्रीज करेंगे अपन, एनर्जी e की फंक्शन को अपन इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने पर इसका फंक्शन इंक्रीज होगा बाय द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे से ई का मान इंक्रीज करेंगे ये तो डिक्रीज होगा फैक्टर, लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंबाइंड फॉर्म है। तो इसका मतलब एक फाइनाइट वैल्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए इसका ग्राफ अपन
क्या प्रोबेबिलिटी में ग्राफ खींचे हैं। तो ये ग्राफ कोई फाइनाइट सेट से लेकर इस टाइप का ग्राफ होना चाहिए जो कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू से मैच खाता है। बार फोर बीटा माइनस पार्टिकल, बट थोटिक प्रैक्टिकली बीटा माइनस पार्टिकल के लिए ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है। मतलब ये जो रिजल्ट आया वो बीटा किस पार्टिकल है, जब भी से कूलम करेक्शन से ग्राफ है एक्सपेरिमेंटली पूरा जो एक्सपेरिमेंटली डाटा है वो कंप्लीट मैच नहीं हो ली, सेट मैच हो गई थी बाय दिस हाइपोथेसिस ऑफ फर्मी थ्योरी। तो उसमें कुछ वेरिएशन भी आया, दूसरा बीटा प्लस के लिए सर ग्राफ नेगेटिव जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसका क्या कंसेप्ट था। इसलिए यहां एक करेक्शन किया गया कि बीटा पार्टिकल्स आर द चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियर इमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो दिस इट ऑल्सो बी चार्ज सिस्टम, न्यूक्लियस खुद अपना चार्ज एग्जिस्ट करता है और बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं तो वो भी अपना चार्ज कैरियर क्या करता है, चार्ज कैरियर लेके इमिट होता है। तो चार्ज यदि किसी सिस्टम में से चार्ज सेपरेट होता है तो उसके बीच में एक जब अपन फाइनाइट रेंज में रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस तो चार्ज इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, लेकिन जैसे आउट सरफेस से इंसर्ट होता है तो चार्ज इंटरेक्शन भी इफेक्टिव होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कूलम करेक्शन कि बीटा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल से न्यूक्लियस से इमिट होते हैं, न्यूक्लियस भी क्या है चार्ज सिस्टम है, जैसे न्यूक्लियस से इमिट होते हैं तो उस पर क्या लगता है कूलम फोर्स भी एग्जिस्ट होता है। और वो कूलम फोर्स क्या करेगा, बीटा प्लस और बीटा माइनस के लिए डिफरेंट फेनोमेना प्रोड्यूस करेगा कि न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो अट्रैक्टिव क्या करेगा, अट्रैक्टिव फील्ड जनरेट करेगा, और बीटा प्लस के लिए रिपल्सिव करेगा। तो मतलब अपन को इस ग्राफ का मतलब क्या है कि जीरो एनर्जी के बीटा माइनस पार्टिकल तो प्रोवाइड होते हैं लेकिन बीटा प्लस पार्टिकल जीरो एनर्जी के अपन को प्रोवाइड नहीं होते, अपन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं होते। तो जीरो एनर्जी के बीटा पार्टिकल इमिट क्यों हुए, क्योंकि उनको तो कूलम क्या जीरो एनर्जी कि जो उसमें एनर्जी थी उसको कूलम के अगेंस्ट वृद्धन में लॉस हो गई, जबकि बीटा प्लस को तो रिपल्सन से एनर्जी मिलनी चाहिए तो इनकी तो एनर्जी लॉस होगी नहीं। तो इसलिए अपन पास यहां है कि जैसे इसमें बीटा जीरो एनर्जी के मतलब जीरो एनर्जी के बीटा पार्टिकल माइनस बीटा पार्टिकल प्रोवाइड होने का मतलब यह है कि उनमें एनर्जी तो थी लेकिन वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कूलम अट्रैक्शन के अगेंस्ट पोटेंशियल में क्या हो गई, लॉस हो गई। इसलिए वो जैसे एनर्जी का था और जीरो एनर्जी का अपन को प्रोवाइड हो गया, लेकिन बीटा प्लस में तो रिपल्सन मिलता है, इसलिए चाहे जीरो एनर्जी का पार्टिकल हो तो पॉसिबल ही नहीं। तो बीटा वहां से इमिशन हुआ था, कुछ एनर्जी लेके इमिशन हुआ था, उससे ज्यादा ही एनर्जी लेके इमिशन होगा, तो इसलिए इसका ग्राफ क्या होता है जीरो से स्टार्ट होता है। तो कूलम करेक्शन में क्या माना गया कि जब बीटा प्रोसेस के अंदर जब बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस सरफेस से न्यूक्लियस सरफेस को लीव करते हैं वहां से जब इमिशन होता है तो न्यूक्लियस के कूलमी इंट्रैक्शन के कारण उसकी एनर्जी में वेरिएशन हो जाता है। तो जीरो एनर्जी के बीटा माइनस पार्टिकल तो फाइंड होते हैं क्योंकि वो अपनी कूलम अट्रैक्शन के जो कूलम अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी में अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं, लेकिन बीटा प्लस को एनर्जी गेन होती है, इसलिए जीरो एनर्जी के कोई भी बीटा पार्टिकल नहीं होगा, वो सारे फाइनाइट एनर्जी से अबव एनर्जी के क्या होंगे, बीटा पार्टिकल्स होंगे। तो इस कूलम करेक्शन का एक मैथमेटिकल थ्योरेटिकल ये है कंसेप्ट था। अब इसका मैथमेटिकली कंसेप्ट क्या है, किसने कितना फैक्टर इसमें इंक्लूड होना चाहिए एक फंक्शन, तो कूलम ने कि जो फोर्स अट्रैक्शन टर्म है जो इस फर्मी डिराक फर्मी थ्योरी का जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेंशन है
उसमें एक टर्म और इंक्लूड होनी चाहिए जिसको कूलाम टर्म कहते हैं, और वो कूलाम टर्म कि इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स टर्म होगी जो एटॉमिक नंबर जेटी और इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या माने एन ई, तो भाई वो बीटा पार्टिकल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ई ई या ई बीटा अपन यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो ई ई का फंक्शन। जो कूलाम फंक्शन कहते हैं कूलाम टर्म, इसकी वैल्यू कूलाम प्रोबेबिलिटी फंक्शन और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो नॉन रिलेटिविटीज केस में इस फर्मी फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, 2 पाई ईटा 1 माइनस e की पावर 2 पाई ईटा, जहां पर अपने पास जो ईटा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए कूलाम इंट्रैक्शन जो टर्म होती है जेट वन जेट टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो फॉर्मूले में होती है, वैल्यू ऑफ ईटा पहले 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगी जेट ई स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के की जो वैल्यू है अपॉन 1 अपॉन h क्रॉस μ, फ्रीक्वेंसी के बेसिस जो अपन प्रोटॉन है वो एनर्जी का टर्म है ये। दूसरा 4 पॉजिट्रॉन में ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो इससे अपने पास अपना जो फर्मी एक्सपेंशन है फॉर प्रोबेबिलिटी बीटा पार्टिकल उसमें करेक्शन हो जाएगा जिसको अपन कूलाम करेक्शन कहते हैं। तो वो जो अपने पास प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली ग्राफ में कुछ वेरिएशन आ रहा था शेप बीटा प्लस का, जो शेप जीरो से स्टार्ट होने की जो एक्सपेंशन आ रहा था उन दोनों का एक्सपेंशन यहां से होगा। तो देखे अपन कहां चेंज कर दें, ये अपने पास नीचे वाला देखो ये सर्कल गया, ये है फर्मी थ्योरी का एक्सपेंशन, इसके अंदर कूलाम करेक्शन टर्म एफ इंक्लूड करनी है। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी डी पी ई इजकल टू, ये सारा कॉन्स्टेंट ये लिखा जाएगा। चाहे मैं ये कॉन्स्टेंट कोई एक्स ले लूं, अरे एम आई एफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है इसलिए अपन एम आई एफ स्क्वायर कर लेते हैं, हो सकता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन दोनों प्रोसेस के लिए, और रिमेनिंग कॉन्स्टेंट ले लिया और इसमें एफ जेड बीटा ई टर्म इंक्लूड करनी होगी और पी ई स्क्वायर आगे एडिटिव लिख रहा हूं ई माइनस ई ई का स्क्वायर डी पी ई, ये होगा बीटा इमिशन के लिए फर्मी थ्योरी एक्सपेंशन विथ कूलाम करेक्शन। ये कूलाम फंक्शन है एफ जेड ई जिसकी वैल्यू अपने पास ये होती है 2 पाई ईटा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई ईटा, जहां ईटा फॉर द इलेक्ट्रॉन फॉर द पॉजिट्रॉन दोनों के लिए सेपरेटली वैल्यू होती है। तो इसके बेसिस के ऊपर अपन इलेक्ट्रॉन की जो ग्राफ है वो बीटा माइनस का और बीटा प्लस का ग्राफ है वो थ्योरेटिकली और
प्रैक्टिकली वैल्यू से जो मैच खाता है उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्मी क्यूरी प्लॉट यहां जो फर्मी प्लॉट था उसको फर्मी क्यूरी प्लॉट में एक्सचेंज कर दिया, वो था टेम्परेचर के साथ एक्सपेंशन की फर्मी क्यूरी प्लॉट। फर्मी प्लॉट में फर्मी क्यूरी प्लॉट में कोई डिफरेंस नहीं, कूलाम करेक्शन करने के बाद में जो इसने जो ग्राफ है प्रोबेबिलिटी फंक्शन का वो एनर्जी को टेम्परेचर इक्वलेंट प्रोपोर्शन मान के टी के साथ ग्रोप कर दिया। देखिए फर्मी क्यूरी प्लॉट उससे हम कई बार एनर्जी के साथ भी आ सकता है, टेम्परेचर के साथ भी आ जाता है। तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी पी, यहां मैं स्मॉल पी स्क्वायर और कूलाम करेक्शन फंक्शन को इधर ले लू जेटी और इसका अंडरूट ले लें और यहां ई वही सेम क्या जाएगा ई माइनस ई ई। अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं इसको फर्मी क्यूरी प्लॉट करते हैं वही सेम स्टेट लाइन आएगी, बस इसमें एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड होगी, लेकिन इसको टेम्परेचर के अंदर कंसेप्ट में कर सकते हैं कि एनर्जी ई इज प्रोपोर्शनल टू टी के टी, जिसे अपने पास कांस्टेंट बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बेसिस पर अपन इसकी जो थर्मल एनर्जी है किसी सिस्टम की एनर्जी को है वो थर्मल एनर्जी सिस्टम में चेंज करें तो के टी के प्रोपोर्शन होती है, हाफ के टी वन डायमेंशन की रिकॉर्ड होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने तो थर्मोनिक रूप से इस प्रोपोर्शन रूप से ऐसा लिखते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं कैपिटल पी स्मॉल पी स्क्वायर जेटी इस प्रोपोर्शनल टी माइनस टीई। तो सर ग्राफ वही सेम, यहां टी में खींच लें, पहले एनर्जी ई में खींचा था, ये जो फंक्शन है अपना, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वही अपने पास वो टी बराबर टी ई के ऊपर जीरो होगा। इसको फर्मी क्यूरी प्लॉट कहते हैं और जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी ई, और बीटा पार्टिकल एनर्जी के साथ में स्पेक्ट्रम खींचे। तो ये दो टाइप का ग्राफ है, ये ग्राफ है बीटा माइनस के लिए कूलाम करेक्शन का, ये है बीटा प्लस पार्टिकल के लिए जो एक्सपेरिमेंटल लास्ट में हायर एनर्जी के ऊपर दोनों सेम है, बस लो एनर्जी डिफरेंस है। एक फाइनाइट एनर्जी के बाद में जब पार्टिकल्स का नंबरिंग एक मैक्सिमम वैल्यू का 63% डाउन हो जाता है, अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वो इसकी एंड ऑफ एनर्जी कहलाती है, कट ऑफ अंतक ऊर्जा। ये फर्मी थ्योरी के द्वारा उसमें कूलाम करेक्शन को इंक्लूड करके बीटा प्लस और बीटा माइनस प्रोसेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक्सप्लेनेशन कर दिया जो अपन डेरिवेशन किया उसके बेसिस पर, और एक फर्मी क्यूरी प्लॉट ड्रॉ कर लिया। इस फर्मी क्यूरी प्लॉट के बेसिस पर आगे अपन इस बीटा ट्रांजिशन की कई करेक्टरिस्टिक्स को अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो फर्मी क्यूरी प्लॉट का जो एग्जांपल जो अपने पास एप्लीकेशन है लाइफ टाइम ऑफ बीटा डीके, जैसे हाफ लाइफ टाइम निकालना होता है
तो वो हाफ लाइफ टाइम जो इसमें एक फाइनाइट वैल्यू निकाल जाती है इसको एप्टो वैल्यू कहते हैं। तो देखिए लाइफ टाइम ऑफ बीटा डीके, तो अपन हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं इसका, तो हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालें कि इसका बीटा डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा फाइंड करके, और लैम्डा का फॉर्मूला अपन हाफ लाइफ के अंदर अपन गिवन होता है अपन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसका अपन लैम्डा के लिए डीके कॉन्स्टेंट को डिफाइंड करके डीके कॉन्स्टेंट की वैल्यू को अपन प्रोबेबिलिटी फंक्शन से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अपने पास फर्मी रिजल्ट ये है और इसका पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं लाइफ टाइम निकालना। हाफ लाइफ ऑफ बीटा डीके, देखो हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं, डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा के द्वारा यदि गिवन हो तो अपन डिफाइंड करते हैं इसको रेडियोएक्टिविटी के बेसिस पर 0.693 अपॉन लैम्डा। और डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा का मीनिंग क्या होता है, तो यहां लैम्डा भी एक फंक्शन है जिसकी डायमेंशन टाइम की इनवर्स होती है। ठीक है, और वो किस चीज को बताती है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम से कितनी परसेंट हो गई वो टाइम होता है इसका। जैसे अपन बात करें कि अपन वो टाइम इनवर्स जिसमें नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है इन रिलेटिविटी इज डिक्रीज या रिमेन ओनली 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, या डिक्रीज 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो टाइम यूनिवर्स का इनवर्स होता है, वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन लैम्डा होता है। तो यहां तो इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन इस डीके कॉन्स्टेंट को एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन के रूप में कैसे फाइंड किया कि यदि अपन इस प्रोबेबिलिटी जो अपन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है इसका जीरो से लेकर टोटल मैक्सिमम वैल्यू तक इसका अपन टोटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी फाइंड आउट कर लें, तो प्रोबेबिलिटी ही तो अपने पास डीके कॉन्स्टेंट बताती है कि यहां से यहां तक फंक्शन आया तो इसको यहां से यहां तक आने में मतलब इस फंक्शन की लगभग कंप्लीट डीके हो गया, ये प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट। तो इसको डिफाइंड किया गया है कि लैम्डा इज द गिवन बाय फॉर दिस एनी प्रोसेस, द टोटल प्रोबेबिलिटी प्रोसेस फॉर द बीटा प्रोसेस इज गिवन बाय जीरो से मोमेंटम स्पेस है तो मोमेंटम मैक्सिमम, एनर्जी स्पेस में तो एनर्जी मैक्सिमम पी पीई डी पीई। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी पर सेकंड और बीटा ट्रांजिशन इन मोमेंटम इंटरवल पीई डी पी इज द गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंस कॉन्स्टेंट लैम्डा, कि पर सेकंड जो प्रोबेबिलिटी है टोटल वो अपन बीटा डी के ट्रांजिशन को अपन इस फॉर्मूले से मोमेंटम स्पेस में ये डिफाइंड करते हैं। अब पी कैपिटल पीई की डी पी की वैल्यू ये आती है अपन पास है, या सब्स्टिट्यूट करें जो कॉन्स्टेंट एक्स बाहर ले लेता हूं, एम आई एफ बाहर ले लेता कॉन्स्टेंट जीरो से फी मैक्सिमम, तो एफ कूलम करेक्शन टर्म है मोमेंटम की क्योंकि एनर्जी टर्म है, तो एनर्जी मोमेंटम का फंक्शन होता है। ठीक है, P
पी स्क्वायर का स्क्वायर डीपी। ठीक है, ब्रैकेट में अपने पास यही है, अदरवाइज जो क्वांटिटी है वो बाहर अपने पास कॉन्स्टेंट एम एफ को कॉन्स्टेंट मान लिया। तो देखिए पहले अब इसमें देखो अपन परफेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, जब वैल्यूज अपने पास पीई एफ जेड ई की वैल्यू ईटा में है जेड स्क्वायर में, काफी कॉम्प्लिकेट बनेगा। इसमें एक वैल्यू का नाम देते हैं, एक फंक्शन दे देते हैं जो फिक्स वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी अपने पास कोई जो इसकी वेरिएबल वैल्यूज होगी, मतलब ईटा से चार एटॉमिक नंबर है उसका चार्ज है, तो बीटा पार्टिकल के लिए चार्ज बीटा माइनस पार्टिकल सेम रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क होगा। तो अपन इसको एक फंक्शन में डिवाइड किया गया है, फंक्शन में डिफाइन किया गया है, एम नोट स्क्वायर सी फोर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है और अपने पास एक इंटीग्रेशन टर्म बच जाती है जिसको फंक्शन एफ का नाम दे दिया गया। अब वो टर्म क्या है देखो, एम ई की पावर 5 और c को स्क्वायर में नोट करना है, ठीक है, m नोट हो गया c 5 स्क्वायर हो गया। एक रिलेटिविटी फॉर्मूला बढ़ाने के लिए m i f का स्क्वायर m नोट 4 5 पार्ट में आएगा 5 सी 4, मैं मल्टीप्लाई किया तो उसके नीचे भी लिख दूंगा ये चीज, पीई स्क्वायर के नीचे अपने पास एम ई स्क्वायर सी 4 की क्वांटिटी का पार्ट चाहिए, ठीक है, और एम नोट ई सी स्क्वायर के नीचे भी ये अलग पार्ट बना ले रिलेटिविटीज फॉर्म बनाने के लिए। एम ई स्क्वायर सी 4 तो डी पी ई की जगह एम ई इंटू सी, बस केवल एम नोट ई सी का डिवाइड करने पर रिलेटिविटीज फैक्टर बन गए, अदरवाइज कुछ नहीं, एम की पावर 1 4 4 तो सी 4 5 हो गया, 5 पार्ट तक है, ठीक है, ये अपने पास इसमें स्क्वायर है ऊपर, तो ये जो पार्ट बन गया इंटीग्रेशन, इसको अपन एक फिक्स रिलेटिविटीज पैरामीटर के टर्म में इसका नाम कोई फंक्शन कैपिटल एफ दे दिया, कोई फंक्शन ये सोल्व होने के बाद में अपने पास किसी टर्म की वैल्यू आ जाएगी जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया सी एफ। एम नॉट सी 4 सी 4 ये अपने पास यहां सी 5 तक ही क्यों आया, यहां तो अपने इस डायरेक्शन में तो x में भी C3 है, यहां मैंने इसके मल्टीप्लाई किया 8 और 9 आना चाहिए यहां पर, लेकिन अपने पास यहां पर 5 इस डायरेक्शन में दिखा रहा था, वो ये कि x के अंदर भी अपने पास नीचे C की फॉर्म में वैल्यू है, तो इस इंटीग्रेशन को कैपिटल F नाम दे दिया, ठीक है। तो इस वैल्यू के बेसिस पर अपन लैम्डा हाफ लाइफ की वैल्यू को अपन एक कैपिटल एफ के फॉर्म में मान लिया, वैल्यू रखे इसको अपन हाफ लाइफ काउंट कर लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू रख दो वहां पर, तो ये कोई कॉन्स्टेंट जो फंक्शन एफ की वैल्यू के टर्म में आए जिसको अपन टो नोट के टर्म में, ये वैल्यू अपन को कहां रखनी है, ये किसकी वैल्यू है,
ये लैम्डा की, एफ मानने के बाद में मैं दोबारा लिख देता हूं, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा ये कैपिटल एक्स। अपन ने कोई कॉन्स्टेंट मान रखा पहले, जो अपन फर्मी फर्मी थ्योरी का डेरिवेशन किया था, तो अपन एम आई एफ के बीच जो जी के अंदर है, पाई के अंदर है, एस के अंदर एक कॉन्स्टेंट है, वो वैल्यू अपन लिख लेंगे एस एम आई एफ का पावर स्क्वायर, और यहां अपने पास एम की पावर 5, सी की पावर 9, वो बाद में सी कैंसिल हो जाएगा टू एफ। यह कोई इंटीग्रेशन है फाइनाइट जिसकी वैल्यू अपन स्पेशली करैक्टरिस्टिक के अंदर फाइंड आउट करते हैं, और रिलेटिविटीज फॉर्मूला बनाने के लिए एम और सी स्क्वायर इनको सबका डिवाइड दिया अपन है। ये वैल्यू लैम्डा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, लाइफ टाइम आ गया किसका, हाफ लाइफ टाइम आ गया किसका, बीटा डीके प्रोसेस का। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था। कल अपन बीटा डीके के ट्रांजिशन के कई मोड होते हैं, बीटा ट्रांजिशन की कई ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, सुपर अलाउड होते हैं, फॉरबिडन होते हैं, ठीक है। तो अपने सुपर अलाउड, फॉरबिडन, फेवरेबल, नॉन फेवरेबल ट्रांजिशन हैं, जो बीटा डीके की ट्रांजिशन की कई प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस फर्मी क्यूरी प्लॉट का एक्सप्लेनेशन करेंगे, या एप्टो जो वैल्यू जो अपने पास डिफाइन करेंगे इस इंटीग्रेशन की, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू के बेसिस पर बीटा डीके नेचर प्रॉपर्टीज को अपन डिफाइन करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, यहां तक केवल आप केवल हाफ लाइफ ऑफ बीटा डीके का एक्सप्लेनेशन यहां तक नोट होल्ड कर दिया, ठीक है। कल मिलते हैं, ओके, थैंक्स।